हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि 18 से 21 सेशन का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट जो थी वो 31 मार्च तक थी, लेकिन अभी उसको बढ़ा के फिर से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं वो लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और बहुत सारे स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप कर लिए थे उनका पैसा भी अकाउंट में आना शुरू हो गया है। 10 अप्रैल से आना शुरू हुआ है पैसा और धीरे धीरे करके सबके अकाउंट में पैसा आ रहा है। लेकिन जहाँ तक LNMU यूनिवर्सिटी की बात है तो LNMU यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट के अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है। और पटना यूनिवर्सिटी हो गया, टेक्निकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उनके स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा आ गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जो दे रही है वो टेक्निकल कॉलेज को दे रही है, और पटना यूनिवर्सिटी भी इस लिस्ट में आ जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल कोर्स होते हैं। तो उनके अकाउंट में पैसा पहले दिया जा रहा है। उन लोग का लिस्ट फर्स्ट में भी नाम था और लिस्ट सेकेंड में हम लोग का नाम था। तो लिस्ट फर्स्ट में जिनका नाम था उनके अकाउंट में पैसा आ गया है, और हम लोग का नाम हटाकर लिस्ट फर्स्ट सेकंड, पहले हम लोग का नाम लिस्ट सेकंड में था, तो लिस्ट सेकंड से हटा के अब हम लोग का नाम रेडी फॉर पेमेंट में डाला गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जब LNMU यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का मैंने जब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उनका पेमेंट चेक करना चाहिए तो वहाँ पे रेडी फॉर पेमेंट सेलेक्ट करना पड़ा था, क्योंकि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी डाल रहे थे तो उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है वेट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट। तो आप लोग को वेट करना पड़ेगा, पहले टेक्निकल कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग के अकाउंट में पैसा जाएगा। मे बी अप्रैल के लास्ट वीक नहीं तो मई के फर्स्ट वीक तक पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोग के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए कि पटना यूनिवर्सिटी, पटना का जब डालते हैं यहाँ पे तो लिस्ट नंबर 2 सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे इन पेमेंट लिखा रहा है। तो आप लोग ये जान लीजिए कि जिनके अकाउंट में भी इन पेमेंट लिखा रहा है उनको 48 घंटे के अंदर या फिर 1 वीक लग सकता है, उनके अकाउंट में पैसा उतने दिन में आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो 1 वीक के अंदर उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ये देखिए, एक इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो उनका जब मैंने चेक किया तो उनके स्टूडेंट्स में भी इन पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब उनका भी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा पैसा विद इन 7 वीक। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं आएगा या पैसा ये फ्रॉड है या फिर पैसा नहीं देगी सरकार, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अकाउंट में, ये एक मैसेज है 10 अप्रैल का है और अकाउंट में पैसा आ चुका है, DBT के थ्रू आया है, मतलब आधार कार्ड जिसका लिंक है बैंक अकाउंट में तो उनको आधार कार्ड के थ्रू ही पैसा आएगा। अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं है आधार कार्ड से तो आप लोग अपना KYC करवा सकते हैं, अपना अकाउंट लिंक जाके करवा सकते हैं आधार कार्ड से। अगर आपको चेक करना है कि मेरा आधार कार्ड से लिंक है अकाउंट के नहीं, तो आप किसी भी साइबर कैफे में जाएंगे और वहाँ आप आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकाल के, मतलब जितना भी पैसा आप निकालना चाहें चेक करने के लिए, आप 100 रुपया 200 रुपया निकाल के पता कर सकते हैं कि आपका लिंक है। अगर लिंक होगा तो आपका पैसा निकल जाएगा थ्रू फिंगरप्रिंट लगाने से, और अगर नहीं तो फिर आपको अपना जाके चेक करवाना पड़ेगा और लिंक करवाना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर DBT के थ्रू आ रहा है और आपका लिंक नहीं है तो वो तो पैसा भेजेंगे और आपके अकाउंट में नहीं आएगा, तो फिर बैक ट्रांसफर हो जाएगा उनके अकाउंट में, और फिर ये सरकार का कोई ये नहीं है कि वो आपको फिर से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। अगर वो नहीं आया तो फिर आपका पैसा नहीं ही आएगा। तो आप लोग प्लीज़ ये मेक श्योर कर लें कि आपका अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक हो, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा, DBT के थ्रू ही आ रहा है पैसा। ये देखिए, अभी तक लिस्ट 5 निकल चुका है और 1 रेडी फॉर पेमेंट है। तो रेडी और फॉर पेमेंट में उन स्टूडेंट का नाम है जिनका अभी तक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, वो उसमें इन पेमेंट नहीं लिखा रहा है, वो वेट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट लिखा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए और फिर अकाउंट में पैसा आने का इंतजार कीजिए, क्योंकि अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक तक आपके अकाउंट में भी पैसा आ जाएगा। ये देखिए, मैंने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का लिस्ट 2 में जब चेक किया तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहे, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट को निकाल करके वो रेडी फॉर पेमेंट वाले लिस्ट में ऐड कर चुके हैं, तो इसमें आपका रिकॉर्ड फाउंड नहीं करेगा। आप रेडी फॉर पेमेंट में जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपका स्टेटस दिखा रहा होगा और लिख रहा होगा ये बात कि वेट फॉर नेक्स्ट फेज ऑफ पेमेंट। और जिन भी स्टूडेंट का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है वो प्लीज़ अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि 30 अप्रैल तक लास्ट डेडलाइन है, तो उसके बाद हमको नहीं लगता है कि डेट बढ़ाया जा सकता है। मे बी एक्सटेंड किया जाए लेकिन कम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2-3 बार ऑलरेडी डेट एक्सटेंड कर चुके हैं, तो फिर कम ही चांस है कि डेट एक्सटेंड हो। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से कर लें, और जो भी स्टूडेंट नहीं किए हैं अभी तक वो कर लें, और जो भी स्टूडेंट कर चुके हैं वो बस वेट करें अपने पैसा के आने का। थैंक यू। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, ताकि जो अभी तक नहीं भर चुके हैं फॉर्म वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें। थैंक यू सो वेरी मच।